तो ये हमारा ओपन टाइप कंप्रेसर है। ओपन टाइप कंप्रेसर के पार्ट्स कैसे हैं और कैसे वर्क करेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेसिपरेटिंग कंप्रेसर के जो टाइप्स होते हैं, ओपन टाइप, हर्मेटिक और सेमी सील्ड। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ओपन टाइप कंप्रेसर हमारा कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स कैसे हैं, कैसे उसके कंप्लीट पार्ट्स वर्क करते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे मोटर उसको घुमाती है, ये सब बातें आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, ओपन टाइप कंप्रेसर वर्किंग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ओपन टाइप रेसिपरेटिंग कंप्रेसर। जैसे कि हमारा रेसिपरेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, ओपन टाइप, सील्ड एंड सेमी सील्ड। लेकिन ओपन टाइप कंप्रेसर किस प्रकार से काम करता है, आज हम आपको एक वीडियो के रूम में आपको समझाना चाहेंगे लाइव क्लास में। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो मोटर होती है, मोटर हमारे कनेक्ट रहेगी कंप्रेसर के साथ और इसको चलाने के लिए हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो बेल्ट जैसे हमारी रोटेट करती है, हमारा जो जब मोटर को हम रन करेंगे, तो मोटर जब रन होगी तो उसके साथ ही हमारा जो कंप्रेसर वो भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंप्रेसर के पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये हमारा सक्शन पोर्ट बनाया हुआ है। सक्शन पोर्ट क्यों बनाया हुआ है, जो भी हमारी नेचुरल एयर है उसको सक करने के लिए। नेचुरल एयर को जब सक करेगा तो उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद ये हमारा सक्शन पोर्ट हो गया और जो डिस्चार्ज होगा वो हमारे नीचे कहाँ जाएगा, टैंक में आ जाएगा, जिससे कि हमारी एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। लेकिन ये जो एयर स्टोर होगी, कौन सी स्टोर होगी, कंप्रेस्ड एयर होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंप्रेस के जो हम जो कंप्रेसर के पार्ट्स देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं। अब जैसे कि इसमें ये फिन्स आपको दिख रही है, अब फिन्स यहाँ पे ये क्या क्या नाम कहलाता है, ये होती है एयर फिन्स, मतलब कि हवा के द्वारा कंप्रेसर को ठंडा करती है। क्योंकि ये जो हमारी दो फिन्स होती है, एक एयर कूल्ड, दूसरी वाटर कूल्ड, तो ये जो हमारी फिन्स है ये एयर कूल्ड है। ये गैप इस कारण से है ताकि इसके अंदर से एयर का फ्लो आराम से हो सके और जो हमारा कंप्रेसर है साथ साथ में ठंडा भी होता रहे। और इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा पिस्टन लगा होता है, जो कि हमारा क्या होता है, पोजिशन के रूप में काम करता है, TDC टू BDC। मतलब पिस्टन जब हमारा ऊपर आएगा तो टॉप डेड पोजिशन, और जब नीचे जाएगा तो बॉटम डेड पोजिशन। तो इस प्रकार इसके अंदर पिस्टन मूव करता है, इसके अंदर केवल एक ही पिस्टन है, ठीक है। और इसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये इसका क्या रहता है, बॉटम रहता है, बॉटम में ऑयल रहेगा। और ये जो इसका है, ये इसका क्या है, क्रैंक सावट का एंडिंग सीरा है, जो कि इसको लीकेज प्रूफ बनाता है। और ये पूरी कनेक्ट होती है किससे, फ्लाईव्हील से। और फ्लाईव्हील कब चलेगी, जब हमारी ये मोटर रन करती है, और मोटर रन करने के बाद हमारा जो कनेक्टिंग रोड है वो कनेक्टिंग रोड रोल करेगी। कनेक्टिंग रोड रोल करने के साथ हमारा जो पिस्टन है ऊपर नीचे मूव करेगा, और वो जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्योंकि रेस्पिरेटिंग कंप्रेसर हमारा कौन से मोशन में काम करता है, टू एंड फ्रो मोशन में काम करता है। और हमारा जो इसकी कैपेसिटी के लिए स्टोरेज बनाया गया, इसके अंदर एक सेफ्टी दी गई है। इस सेफ्टी को हम क्या बोलते हैं, इस सेफ्टी को हम बोलते हैं, अगर हमारा जो स्टोरेज टैंक फुल हो जाता है और कंप्रेसर कट नहीं करता, तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर को निकालने के लिए इसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाई जाती है। और सेकंड, इसके अंदर प्रेशर दिखाने के लिए गेज का भी यूज़ करते हैं, और इस गेज के द्वारा ही इसको कट किया जाता है कि 60 PSI के प्रेशर पे कट करना है, 50 PSI के प्रेशर पे कट करना है। अगर वैसे फिर भी कट नहीं होता तो हमारा जो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये क्या करेगी, इसमें से प्रेशर को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमें कभी ऑयल चेंज करना हो, तो ऑयल चेंज करने के लिए हमारा ये ऑयल पोर्ट होता है, जिसको हम ओपन कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। तो जितना भी हमारा जो ऑयल का टाइम होता है, ऑयल को हम चेक करते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, चिपचिपापन कितना है उसके अंदर। जैसे कि उसको बहुत टाइम हो जाता है, तो हम इस नट को खोल के यहाँ से पूरे ऑयल को रिमूव कर देंगे, और उसको बाद में नया ऑयल इसके अंदर ऐड किया जाता है। और जब हम इसको ओपन करते हैं, तो इसको कंप्लीट प्रकार से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये गैसकेट यूज़ की हुई है, गैसकेट क्यों यूज़ करते हैं, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए, कि किसी भी प्रकार से कुछ भी लीकेज ना हो। और मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसको रन करके भी दिखाना चाहूँगा कि ये किस प्रकार काम करता है। देखिए, ये इसकी रनिंग कंडीशन है। अब जैसे हमारी मोटर को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से उसको मैकेनिकल करंट में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो यहाँ से क्या हो रहा है, सक हो रहा है। और सक होने के बाद हमारा जो डिस्चार्ज लाइन से एयर हमारी स्टोरेज टैंक में स्टोर हो रही है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन से पार्ट इसको समझ में आए हैं, और अगर कुछ पार्ट रह गए हैं तो हम इसको थ्योरेटिकल वीडियो में भी कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो, थैंक यू।